बहू सबको प्रसाद दो। अरे प्रसाद तो यहाँ भी है। मुझे नौकरी मिल गई। अरे अरे खूब तरक्की कर। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं बेटा, खूब तरक्की करो, इतनी की कामयाबी तुम्हारे कदम छूमे। जी लो सबसे आशीर्वाद। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। नौकरी मिली थी ना तुझे? हाँ मिली थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी। अरे रश्मि ये सबको बांट दो। नैतिक इट्स सीके कॉर्पोरेशंस, कैन यू बिलीव इट, वो चाहते मैं आज से ही ज्वाइन करूं। मोहित तो हम सब की तरफ से तू भी मुमिता कर ले। चलो अच्छा है, आज की सुबह बड़े अच्छे से शुरू हुई है एक खुशखबरी के साथ। राज बना चले। चल भाभी माँ, मैं इनके ऑफिस जाने की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ हाँ चल मैं भी आती हूँ। देखा मैंने कहा था ना, उम्मीद, पूरा भरोसा था मुझे और मैंने कर दिखाया। मुझे भी पूरा भरोसा था, जो काबिल है उसे अच्छा काम तो मिलना ही चाहिए। सच, खुद के बलबूते पर नौकरी पाकर कितनी खुशी होती है। और सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, पता है? कांग्रेचुलेशंस, तब तो तुम्हारी पहली सैलरी से हमें ट्रीट मिलनी चाहिए। ट्रीट? ये लीजिए, आपने वो दोस्त वाला कॉलम लिखा था ना, ये उसके, सच में कमाल का था, काबिले तारीफ। थैंक यू, तुमने पढ़ा था? अरे बिल्कुल पढ़ा था, भला मैं दोस्त का कॉलम कैसे नहीं पढ़ूंगा। वैसे सच बताऊं, आप जैसे दोस्तों की हिम्मत देख के ही ना मैंने आज तक हार मानना नहीं सीखा। कोई भी हालात हो डट कर मुकाबला करो। राइट राइट। खुददारी हो तो स्वीट हार्ट की तरह, ये मेरी प्रेरणा है। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, किसी की दया पर तो जीना कभी मंजूरी नहीं किया इन्होंने, इन्हें हमेशा मैंने मुस्कुराते हुए देखा है। सच में जियो तो शान से। अरे लाओ सेठा, नहीं हम कर लेंगे। नहीं गोपी, करने दे मुझे। क्यों जिद कर रही हो, तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लाओ। अरे जरा से सर्दी खांसी को तुम लोग तबीयत खराब मान बैठे हो। जी दादी दवा ले लीजिए। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं बेटा, जरा से सांस फूल रही थी। नहीं दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, देखिए ना पूरा चेहरा भी पीला पड़ गया है। बबीता जी माँ को कोई काम मत करने दीजिए, डॉक्टर साहब ने आराम करने के लिए कहा है। ये हमारी सुनती कहाँ है बड़ी बहू, कब से कह रहे आराम कर ले, लेकिन जिद्दी तो हमेशा से है ना ये। अरे गोपी तुम लोग कह कह कर मुझे और भी बीमार कर दोगे। माँ ये सब काम हम पर छोड़ दीजिए ना, हम लोग कर लेंगे, आप चलिए आराम कीजिए, देखिए ना कितनी कमजोर हो गई। अरे बाप कब तक बिस्तर पर लेटी रहूं,
मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है ना। अरे बड़ी बहू, डॉक्टर की अच्छी चलाई, ये तो आजकल का चलन है। बात पे डॉक्टर के पास जाओ। अब छोटी मोटी तकलीफ के लिए उसके पास जाओगे तो वो भी बेचारा क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना। माँ, खैर जो भी हो, आप कोई काम नहीं करेंगी, बस चलिए पहले दवा खाइए। अरे बड़ी बहू, क्या दवा, ये अंग्रेजी दवा खाकर तो मुझे सारा दिन नींद आती है। अच्छा ऐसे करो, मेरे लिए वो तुलसी अदरक और गुड़ का काढ़ा बना दो, उसी से मुझे आराम मिलेगा। हम बना देते हैं सेठानी। माँ, आप ये सब छोड़िए और अंदर चलिए, ठंडी हवा चल रही है, चलिए अंदर चल के लीजिए। आइए आइए मेरे साथ, बेटा तू कर। वर्षा बेटा, एक काम करना, मेरी रामायण ठीक से रख देना। जी दादी। माँ, आप ना पहले इसमें तेल डालिए और उसके बाद अचार मसाला। नहीं बहू, पहले तेल नहीं डलता। मेरे मायके में तो अचार कभी ऐसे नहीं बनता था। तुम्हारे घर में अचार वैसे बनता होगा अक्षरा, हमारे यहाँ 20 साल से ऐसे ही बनता है। अचार डालने का क्या सही तरीका है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कोई बात नहीं, तुम्हारी पीढ़ी को वैसे भी ये सब कहाँ आता है। मैंने जैसे किया है तुम भी वैसे ही बरनी में भर देना। वर्षा, अक्षरा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ वर्षा, क्या बात है, सब ठीक है ना? वो दादी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ उन्हें? अरे नहीं कुछ नहीं, तू घबरा मत, हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर तक को बुलाने की नौबत आ गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। वो ठीक है अक्षरा, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तुझे बताते। वर्षा प्लीज मुझे ठीक से बता। अक्षरा ऐसी कोई बात नहीं है, तू घबरा मत। देख, वो जरा सी उन्हें घबराहट हो रही थी, उनकी दवाएं तो चली रही हैं। तू परेशान क्यों हो रही है? प्लीज मेरी उनसे बात करा दे। वो अभी आराम कर रही हैं, जैसे ही उठेंगी मैं तेरी बात करा दूंगी, ठीक है? मुझे उन्हें देखने का बहुत मन कर रहा है वर्षा। तो तू आ जाना। नहीं, अब मैं नहीं आ सकती। माँ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैं उनसे फोन पर ही बात कर लूंगी। अक्षरा, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रखती हूँ। बाय। क्या हो रहा है मुझे, मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? जरूर ये मोहित की तारीफ का नतीजा है। मोहित की तारीफ मुझे इतनी अच्छी क्यों लगने लगी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हजारों रंग के फूल मेरे ऊपर बिखेर दिए हों। कहीं मुझे दीदी, दीदी आपने सिर्फ फूलों के बारे में सोचा? मतलब मैं इस गुलदान की बात कर रही हूँ, आपने इसमें से फूल रख दिए, पानी डालना तो भूल गई। कोई बात नहीं, मैं डाल देती हूँ। दीदी
आप अपना कॉलम लिखने से पहले कितनों की प्रेरणा बन गई। मोहित भी कितना इम्प्रेस था ना, नहीं? सच दीदी, मोहित आपको कितना मानता है। और देखना, एक ना एक दिन पूरी दुनिया मानेगी हमारी दीदी को। मैं आती हूँ। दामन में ये कैसी खुशबू है, आंखों में ये कैसे सपने हैं, क्या वही है मेरा सच, मेरा सब? क्या ये मेरी कल्पना है? जब चांद उगा था बादल में और चांदनी की बौछार थी, मैं भीगी थी, मैं भागी थी, क्या ये मेरी कल्पना है? हल्के कोहरे में उसकी छवि, मिट्टी की नमी में उसके निशान, हाँ वो ही था मेरे करीब। क्या ये मेरी कल्पना है? क्या वही है मेरा सच, मेरा सब? क्या ये मेरी कल्पना है? ये कल्पना नहीं, ये सच है। मोहित, उसने कहा था कि अपने अगले कॉलम का टॉपिक बताने के लिए, बस वही सोच रही थी। ये मैं क्या सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाबो, कपड़े यहां रख के कहां चली गई? गुलाबो, आवाज देने पर भी नहीं आती। गुलाबो, मां, गुलाबो महाराज जी के साथ बाजार गई है, कोई काम था? नहीं बेटा, ये कपड़े इस्त्री में देने थे। लाइए, मैं दे देती हूँ। छोटी दुल्हन, जरा देखो तो, तुम्हारे इन कपड़ों में दद्दा जी का कुर्ता रखा है क्या गुलाबों ने? हाँ, ये रहने दो। क्या हुआ छोटी दुल्हन? कुछ नहीं भाभी माँ, हल्का सा सर दर्द है बस। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका तो चेहरा भी उतरा उतरा सा लग रहा है। चलिए आप लेट जाइए, मैं ये सब कर लूंगी। हाँ हाँ, वो आराम कर ले। अरे बुखार तो नहीं है? कुछ दवा क्यों नहीं लेती सर दर्द के लिए? मैं ठीक हूँ भाभी माँ, दवा की जरूरत नहीं है, मैं बाम लगा दी। हाँ जा बेटा। आप दोनों चिंता मत करिए, थोड़ा सा सर दर्द है, चला जाएगा। रहने, मिल गया बेटा। चलिए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चलिए चुपचाप लेट जाइए। आज तो तुझे बहू की सुननी ही पड़ेगी, चल। लेट, सो जा। सो जा।
तू अपनी बहू से अपनी सेवा करवा ले, मैं ये सारे कपड़े इस्त्री करवाने भेज देती हूँ। सच बेटा, बहुत आराम मिल रहा है, जादू है तेरे हाथों में, खुश रह अक्षरा। आपको पता है जब घर में दादी के सिर में दर्द होता था ना, तो वो अपना सर सिर्फ मुझसे दबवाती थी, और आपको पता है क्या कहती थी कि अक्षरा तेरे हाथों में तो जादू है जादू। सुनिए, वो अक्षरा जी हैं क्या? अक्षरा जी आप? हाँ, मैं ही अक्षरा हूँ। ले लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? बैठो, ये आपके लिए। क्या? ये क्या है? ये मेरी तरफ से आपकी कामयाबी पर, इसमें मेरी गुड विशेस हैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। लीजिए ना, क्या सिर्फ मोहित ही आपको गिफ्ट दे सकते हैं? मैं नहीं। थैंक यू, पर इसमें है क्या? आप खुद ही देख लीजिए। वाओ, कितनी प्यारी चेन है। थैंक यू। दीदी, मैं इसमें एम भी जोड़ दूं? एम क्यों? वही एम जो आपके दिल में छुपा है, मैंने उस चोर को पकड़ लिया है। वही है ना जिसने आपके मन को मोहित कर लिया है। और क्यों ना हो, उसमें किसी के भी मन को मोहित करने की सारी खूबियां हैं। ये क्या बचपन है अक्षरा, जरा भी सोचा तुम क्या कह रही हो? अंदाजा भी है, वो मेरे भाई का दोस्त है, एक बहुत ही अच्छा दोस्त। उसने मेरी मदद की और मैं उसकी कद्र करती हूँ। तुमने अपने दिमाग में ये बकवास कर ली। उम्र में कितना छोटा है वो मुझसे, मैंने आज तक ऐसा कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपाहिज हूँ। दीदी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? किसी को ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे, नैतिक क्या सोचेगा? ऐसी बेतुकी बात सोचने की तुमसे उम्मीद नहीं थी अक्षरा। दीदी, मैं समझ नहीं सकी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जो जो नहीं है मैंने वो सोच लिया, पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कैसे आ गई। हो सके तो मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। तुम इतनी नादान भी नहीं हो अक्षरा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुकमणी, खेलने आपके साथ आंख मिचोली। 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।